हनुमान जी की राम भक्ति की गाथा संसार भर में गाई जाती है। लक्ष्मण जी की भक्ति भी अद्भुत थी। लक्ष्मण जी की कथा के बिना श्री राम कथा पूर्ण नहीं हो सकती है। एक बार अगस्त मुनि अयोध्या आए और लंका युद्ध का प्रसंग छिड़ गया। भगवान श्री राम ने बताया कि उन्होंने कैसे रावण और कुंभकर्ण जैसे प्रचंड वीरों का वध किया और लक्ष्मण ने भी इंद्रजीत और अतिकाय जैसे शक्तिशाली असुरों को मारा। अगस्त मुनि बोले, श्री राम बेशक रावण और कुंभकर्ण प्रचंड वीर थे, लेकिन सबसे बड़ा वीर तो मेघनाथ ही था। उसने अंतरिक्ष में स्थिर होकर इंद्र से युद्ध किया था और उसे बांधकर लंका ले आया था। ब्रह्मा ने इंद्रजीत से दान के रूप में इंद्र को मांगा, तब इंद्र मुक्त हुए थे। क्योंकि लक्ष्मण ने इंद्रजीत का वध किया, इसलिए वे सबसे बड़े योद्धा हुए। श्री राम को आश्चर्य हुआ, लेकिन भाई की वीरता की प्रशंसा से वह खुश थे। फिर भी उनके मन में जिज्ञासा पैदा हुई कि आखिर अगस्त मुनि ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इंद्रजीत का वध रावण से ज्यादा मुश्किल था। अगस्त मुनि ने कहा, प्रभु, इंद्रजीत को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता है जो 14 वर्षों तक न सोया हो, जिसने 14 साल तक किसी स्त्री का मुख न देखा हो और 14 साल तक भोजन न किया हो। श्री राम बोले, परंतु मैं बनवास काल में 14 वर्ष तक नियमित रूप से लक्ष्मण के हिस्से का फल फूल देता रहा। मैं सीता के साथ एक कुटी में रहता था, बगल की कुटी में लक्ष्मण थे, फिर सीता का मुख भी ना देखा हो और 14 वर्षों तक सोए न हो, ऐसा कैसे संभव है। अगस्त मुनि सारी बात समझकर मुस्कुराए, प्रभु से कुछ छुपा है भला? दरअसल सभी लोग सिर्फ राम का गुणगान करते थे, लेकिन प्रभु चाहते थे कि लक्ष्मण के तप और वीरता की चर्चा भी अयोध्या के घर घर में हो। अगस्त मुनि ने कहा, क्यों ना लक्ष्मण जी से पूछा जाए। लक्ष्मण जी आए, राम ने कहा कि आपसे जो पूछा जाए उसे सच सच कहिएगा। प्रभु राम ने लक्ष्मण जी से पूछा, हम तीनों 14 वर्षों तक साथ रहे, फिर तुमने सीता का मुख कैसे नहीं देखा? फल दिए गए फिर भी अनाहारी कैसे रहे और 14 साल तक सोए नहीं, यह कैसे हुआ? लक्ष्मण जी ने बताया, भैया, जब हम भाभी को तलाशते शिष्य मुख पर्वत गए थे, सुग्रीव ने हमें उनके आभूषण दिखाकर पहचानने को कहा। आपको स्मरण होगा, मैं तो सिवाय उनके पैरों के नुपुर के कोई आभूषण नहीं पहचान पाया था, क्योंकि मैंने कभी भी उनके चरणों से ऊपर देखा ही नहीं। 14 वर्ष नहीं सोने के बारे में सुनिए, आप और माता एक कुटिया में सोते थे, मैं रात भर बाहर धनुष पर बाण चढ़ाए पहरेदारी में खड़ा रहता था। निद्रा ने मेरी आंखों पर कब्जा करने की कोशिश की तो मैंने निद्रा को अपने बाण से बेच दिया था। निद्रा ने हार कर स्वीकार किया कि वह 14 साल तक मुझे स्पर्श नहीं करेगी, लेकिन जब श्री राम का जो अयोध्या में राज्याभिषेक हो रहा होगा और मैं उनके पीछे सेवक की तरह छत्र लिए खड़ा रहूंगा, तब वह मुझे घेरेगी। आपको याद होगा, राज्याभिषेक के समय मेरे हाथ से छत्र गिर गया था। अब मैं 14 साल तक अनाहारी कैसे रहा? मैं जो फल फूल लाता था, आप उसके 3 भाग करते थे। एक भाग देकर आप मुझसे कहते थे, लक्ष्मण फल रख लो। आपने कभी फल खाने को नहीं कहा, फिर बिना आपकी आज्ञा के मैं उसे खाता कैसे? मैंने उन्हें संभाल कर रख दिया। सभी फल उसी कुटिया में अभी भी रखे होंगे। प्रभु के आदेश पर लक्ष्मण जी चित्रकूट की कुटिया में से वे सारे फलों की टोकरी लेकर आए और दरबार में रख दिया। फलों की गिनती हुई, 7 दिन के हिस्से के फल नहीं थे। प्रभु राम ने कहा, इसका अर्थ है कि तुमने 7 दिन को आहार लिया था। लक्ष्मण जी ने 7 दिनों के फल कम होने के बारे में बताया। उन 7 दिनों में फल आए ही नहीं। पहला, जिस दिन हमें पिताश्री के स्वर्गवासी होने की सूचना मिली, हम निराहारी रहे। दूसरा, जिस दिन रावण ने माता का हरण किया, उस दिन फल लाने कौन जाता? तीसरा, जिस दिन समुद्र की साधना कर आप उससे राह मांग रहे थे। चौथा, जिस दिन आप इंद्रजीत के नागपास में बंद कर दिन भर अचेत रहे। पांचवा, जिस दिन इंद्रजीत ने मायावी सीता को काटा था और हम शोक में रहे। छठा, जिस दिन रावण ने मुझे शक्ति मारी। और सातवा, जिस दिन आपने रावण वध किया। इन दिनों में हमें भोजन की सूद
कहाँ थी विश्वामित्र? उन्हीं से मैंने एक अतिरिक्त विद्या का ज्ञान लिया था, बिना आहार किए जीने की विद्या। उसके प्रयोग से मैं 14 साल तक अपनी भूख को नियंत्रित कर सका, जिससे रीत मारा गया। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी की तपस्या के बारे में सुनकर उन्हें हृदय से लगा लिया, और इसके साथ ही रामायण के इस अद्भुत रहस्य का समापन हुआ।